हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, प्रीवियस क्लासों में अपन ने पढ़ा था लक्ष्मण परशुराम संवाद की सह प्रसंग व्याख्या। तो आज भी अपन इसी ही संवाद की सह प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। तो देखिए, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत बचन लखन के कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर गोरा, अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटु बादी बालकु वध जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहु मरन हिया निहारा भा साँचा, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु, खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही, उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त एही काटी कुठार कठोरे, गुरी ही उरिन होते हु, गाधी सुनु कै हृदय हसी मुनि ही, हरि अरे सूज, ऐ मैं खांड न उख में अजू न बूज अबूज। देखिए, इस संवाद को पढ़ने के बाद में इसका पढ़ेंगे प्रसंग। तो देखिए, किसी भी पद्यांश का प्रसंग लिखने के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा रचित हैं, उस कवि का नाम और उसकी कविता का नाम, और इसमें सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन बात क्या है, वही इस पद्यांश का प्रसंग होगा। तो देखिए, यह पद्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें विश्वामित्र व परशुराम के संवाद का वर्णन किया गया है कि परशुराम विश्वामित्र को लक्ष्मण के बारे में बतला रहे हैं, व्यंग्य वचन कहते हुए कह रहे हैं। तब विश्वामित्र परशुराम को बहुत अधिक समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घमंड में अपने क्रोध में इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो आगे देखिए इस पद्यांश की व्याख्या। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगाकर बार बार मोहि लागी बोलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। इस पद्यांश में लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगाकर, अर्थात बार बार आवाज देकर मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत वचन लखन के कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने सुधारी धरेउ कर घोरा, अपने फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देउ दोसु मोहि लोगु, कि अब जनि लोग देही देंगे, दोसु दोस मोहि मुझे, लोगु लोग, कि अब इसके लिए लोग मुझे चाहे दोष ही क्यों ना दे। कटुवादी, यह बालक कटुवादी है, लक्ष्मण के लिए आया है। वध जोगु, कि ये वध करने योग्य हो गया है, कि चाहे अब लक्ष्मण की मृत्यु के लिए लोग मुझे दोष ही क्यों ना दे, यह बालक मृत्यु के योग्य हो गया है, कटुवादी है, बहुत अधिक कटु वचन बोलने वाला है। बाल बिलो की बहुत में साचा, कि बालक बिलो की देख कर बहुत में बाचा, बाचा का अर्थ होता है बचाया, कि मैंने इसे बालक समझकर बहुत अधिक बार बचाया है। अब यहु मरण निहार भा साचा, भा का अर्थ होता है हो गया, कि अब यह मारने योग्य साचा सच में भा हो गया है, कि अब यह सच में ही मारने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, यह सुनकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, हे मुनिवर आप तो साधु हैं, बाल दोष गुण गनहीन साधु, कि साधु जन बालकों के
गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। खैर कुठार में अकुरन को ही तब परशुराम ने कहा, हे विश्वामित्र जी, आप जानते हैं मैं बहुत अधिक क्रोधी हूँ, निर्दयी हूँ। आगे अपराधी गुरु द्रोही और मेरे सामने मेरे गुरु शिव का अपराध करने वाला खड़ा है। उत्तर देख, उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। छोड़ूं, यदि मैं इसे छोड़ रहा हूँ बिनु मारे बिना मारे कि लक्ष्मण है वो मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, अर्थात व्यंग्य वचन कहे जा रहा है, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ केवल कौशिक शील तुम्हारे कि हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे विनयपूर्ण आचरण के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नैते एही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मेरे हाथों में पैना कुल्हाड़ा है, तो मैं इसे मारे बिना भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। गुरही उरिन होते ही, उरिन का अर्थ होता है ऋणमुख, कि मैं इसे मेरे कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े ही शर्म में गुरु ऋण से मुक्त हो गया होता। गादी सुनूं, गादी सुनूं का अर्थ होता है विश्वामित्र। परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र कह हृदय हंसी, अपने मन में हंसे। मुनि ही हरियरई सूझ और सोचने लगे, देखो मुनि परशुराम को कैसा हरा हराई सूझ रहा है, अर्थात सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को हरा देना भी अत्यंत सरल मान रहे हैं। इन्हें सामान्य क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं। यह इस बात से अनभिज्ञ है कि इनके सामने ऐ मैं लोहे का बना हुआ खांडा है, न उख मैं बल्कि गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं, अजून बूझ अबूझ। यह इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि राम लक्ष्मण कोई सामान्य योद्धा न होकर महापराक्रमी वीर हैं, परंतु परशुराम अभी तक इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, अर्थात राम और लक्ष्मण को एक सामान्य पुरुष ही मान रहे हैं, बल्कि वे सामान्य पुरुष न होकर लोहे के समान तेज खांडा अर्थात काटने वाला या नष्ट करने वाले वीर योद्धा हैं। तो देखिए इस पद्यांश की व्याख्या के बाद में देखिए इसका विशेष। इसमें परशुराम के बड़बोलेपन तथा ना समझी की सुंदर व्यंजना की गई है कि परशुराम अपने आप को बहुत अधिक बोलने वाला मान रहे हैं, थोड़े से क्रोध में ही तुरंत अपने फरसे को साध लेते हैं, तो यह उनकी नासमझी है, इसकी इस पद्यांश में सुंदर व्यंजना की गई है। राम लक्ष्मण की विशेषताएं बताई गई हैं, राम को विनयपूर्ण आचरण करने वाला, जबकि लक्ष्मण को आवेश युक्त कि परशुराम के क्रोध को और अधिक भड़काने वाला माना गया है। इस पद्यांश में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और चौथा है अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो व्याख्या हैं, पद्यांश हैं, उनमें सबसे अधिक अवधि भाषा का ही प्रयोग हुआ है। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।